स्वागत है आपका आज के शोरूम में, जहाँ पे मेरे पास है आज Hyundai i10। और ये i10 का जो है CNG के अंदर सबसे बेस वेरिएंट है, मैग्ना डुओ CNG के अंदर। आज के इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं, अगर आप i10 को बेस वेरिएंट के अंदर लेने का प्लान करते हो तो क्या कुछ आपको प्राइसिंग देखने को मिलती है, क्या फीचर्स मिलते हैं, और साथ में जो करंट में इसमें ऑफर चल रहा है ना इसके ऊपर, उस ऑफर के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको जो है इस बेस वेरिएंट की चाबी दिखा देता हूँ CNG के अंदर। चाबी आप देख लो, ऐसी कुछ आपको यहाँ पे जो है चाबी देखने को मिल जाती है। अगर आप इसका स्पोर्ट वेरिएंट भी लेते हो ना, जो कि मैंने आपको रिसेंट में दिखाया था डुओ CNG के अंदर, तो सेम चाबी मिलती है, सेम कंट्रोल्स हैं। लॉक अनलॉक और बूट रिलीज करना चाहते हो उसका ऑप्शन दे रखा है। अगर आप पीछे की बात करते हो तो Hyundai का आपको लोगो मिल जाता है, और जो सेकेंडरी की है वो आपको मैनुअल मिलती है, उसमें रिमोट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो चाबी के अंदर देखो आपको ये सारी चीज मिल जाती है, चाहे आप बेस लो चाहे CNG का टॉप एंड लो। डुओ CNG के अंदर है सिंगल सिलेंडर से अगर आप इसे कंपेयर करते हो तो लगभग आपके 7-7.5 हज़ार रुपए बचेंगे। मुझे लगता नहीं कि आप 7-8 हज़ार रुपए बचा के सिंगल सिलेंडर पर जाना पसंद करोगे। बाकी अपनी राय शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा जब बात प्राइसिंग की आई रही है तो मैं जरूर से बता देता हूँ, ये वाला वेरिएंट आपको एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 7,75,000। ऑन रोड प्राइस के लिए आप जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर से जो है देख लेना, और साथ में जो डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह है ना वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। अगर आप अच्छी डील ग्रैब करना चाहते हो तो डेफिनेटली कॉल कर सकते हो अगर आपका प्लान है i10 वगैरह लेने का। और अब बात करते हैं इसके ऑफर्स के बारे में। अगर आप सितंबर के मंथ एंड तक या अक्टूबर वगैरह में प्लान करते हो, जैसे अपने नवरात्रि वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको जो है एक शोरूम प्राइस पे ऑलमोस्ट 48,000 रुपये का जो है डिस्काउंट देखने मिलेगा, जो कि बहुत बढ़िया डिस्काउंट है और सही टाइम है। अगर आप प्लान करना चाहते हो, CNG चाहिए थी और एक फैमिली में छोटी गाड़ी लेना चाहते थे, तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो उस i10 के मैग्ना वेरिएंट को। बाकी अब क्या कुछ मिलता है इस मैग्ना वेरिएंट के अंदर, सबसे पहले तो Hyundai का आप लोगों देख सकते हो, जो फ्रंट वाली ग्रिल है ना वो बिल्कुल सेम जो टॉप एंड में आती है, जो कि हमारे पास ये वाला वेरिएंट है, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। सेम आपको DRLs वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं, एक्टिव एयर वेंट्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो, बट फर्क आएगा अगर आप फ्रंट से बात करोगे ना टॉप और इसके अंदर, तो हेडलाइट के अंदर बहुत बड़ा फर्क मिलेगा। यहाँ पे हेलोजन सेटअप आपको दे रखा है, पार्किंग लाइट आप यहाँ पे देख सकते हो, और जो इसके इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो आपको नीचे की तरफ मिल जाते हैं, जो कि हेलोजन के अंदर आपको दिए गए हैं। सेम डिजाइन वगैरह है जो टॉप एंड में आता है, टॉप एंड में फ्रंट में प्रोजेक्टर मिलती है और साथ में ऑटोमेटिक आती है। तो फ्रंट से तो देखो इन सारी चीज़ों में आपको फर्क मिलेगा, बाकी बोनट वगैरह पे जो डिजाइन वगैरह है, चाहे आप ऑरा की बात कर लो चाहे इसकी बात कर लो, सेम मिलता है। सेम वाइपर्स वगैरह हैं, और पता लगाना चाहते हो CNG है या पेट्रोल वो आप स्टिकर देख सकते हो इसका। उसके अलावा अगर आप इस साइड से देखोगे तो थोड़ा सा बेस वेरिएंट वाली जो वाइब है ना वो आपको ज़रूर से यहाँ पे जो है आने वाली है, जैसे इंडिकेटर्स हो गए या आप इसकी बात करते हो स्टील व्हील की, इसके अंदर आप देखो इंडिकेटर्स ORVM पे आते हैं और यहाँ पे तरीके के व्हील्स वगैरह आते हैं। अब देखो बात कर लेते हैं व्हील्स की, तो सबसे पहले तो अपोलो के अमेजर 4G जो है टायर आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसका प्रोफाइल है 165/70R14 इंच का साइज मिलता है, टॉप एंड में 15 इंच का साइज आता है। ये जो है फर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बाकी आगे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, पीछे ड्रम आते हैं, और व्हील कवर के साथ स्टील व्हील का ऑप्शन आपको मिलेगा, है वो भी स्टील व्हील, बट वो थोड़े से लुक वाइज अगर आप बात करते हो तो ज्यादा बढ़िया दिखते हैं इन कंपेयर टू अगर आप इसे देख रहे हो। बाकी जैसे कि अपना बेस वेरिएंट है तो इंडिकेटर्स आपको फेंडर पर मिल जाते हैं, ORVM बॉडी कलर दे रखे हैं, और जो बी पिलर है वो भी आपको बॉडी कलर मिल जाता है, क्योंकि बहुत सही है। इंडिकेटर्स मैंने आपको दिखाई दिए, इसके एडजस्टमेंट की बात करते हो तो इसको आप अंदर से एडजस्ट जरूर से कर सकते हो, जो कि बेस वेरिएंट के हिसाब से बहुत सही है। मतलब कई ब्रांड तो ऐसे हैं उनके सेकंड हैंड बेस वगैरह में भाई मतलब सादा वाला जो एडजस्टमेंट होता है ना वो दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे तो बढ़िया है ही। बाकी Hyundai का आप यहाँ पे लोगो देख सकते हो, और जो अपने डोर हैंडल्स वगैरह हैं वो आपको बॉडी कलर यहाँ पे मिल जाते हैं, बी पिलर भी बॉडी कलर वगैरह दे रखा है, और रूफ वगैरह नॉर्मली है, कोई ऐसा बताने लायक है नहीं। ग्रैंड i10 की बेजिंग मिल जाती है, और जो डिजाइन वगैरह आप देख पा रहे हो थोड़ा सा अलग है। बाकी यहाँ से फिल करोगे आप इसके अंदर पेट्रोल और CNG दोनों का ऑप्शन यहीं से मिलता है, जो कि बहुत सही है। बाकी पीछे से अगर आप लुक की बात करते हो ना, पीछे से एक बार आप कंप्लीट लुक चेकआउट कर लो, बाकी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो वाइड एंटीना आपको मिल जाता है, रूफ पे भी ना डिजाइन वगैरह थोड़ी सी आपको दिख रही होगी, जो ये बिल्कुल सीधी लाइन जो जा रही है दोनों तरफ के बीच में। बाकी आप बता सकते हो इसके बारे में, ये ऐसा कुछ कंप्लीट लुक आने वाला है। बाकी LED स्टॉप लैंप मिल जाती है, डिफॉगर वाइपर में से कुछ भी ऑप्शन नहीं आएगा, CNG का स्टिकर है, कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ लाइट दे रखी है, बट लाइट नहीं है प्रॉपर, मतलब डमी है एक तरीके से, लगेगी ऐसी कि यार कनेक्टेड वगैरह है, तो वो चीज़ नहीं है। Hyundai का आप लोगों देख सकते हो, नियोस की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, और ग्रैंड i10 की बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है, तो कई सारी बैजिंग आपको दूर से जो है दिख रही होंगी, और साथ में जैसे कि अपना ट्विन सिलेंडर ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप जो है Hyundai CNG डुओ की बैजिंग आप देख सकते हो, और जो लाइट वगैरह है वो आपको ये वाला जो पार्ट है वो LED के अंदर मिलने वाला है, इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट और ब्रेक लाइट वगैरह नीचे की तरफ मिल जाती हैं। साथ में सेफ्टी के अंदर रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिल जाता है, दो सेंसर दे रखे हैं, कैमरा वगैरह बेस वेरिएंट के अंदर नहीं आएगा, तो ये चीज़ आप एक्सपेक्ट मत करना। उसके अलावा जो नीचे वाला पार्ट है ये आपको मैट फिनिश के अंदर मिल जाता है, और जो इसका एग्जॉस्ट पाइप है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, और किसी और की कार टो वगैरह करना चाहते हो तो भाई ऐसा कुछ भी ऑप्शन जो है यहाँ पे नहीं मिलने वाला है।
वैसे मैंने अभी एक टाइम पहले ना अपनी एक्सेल डाली थी, तो उसके अंदर मुझसे थोड़ा सा मिस हो गया था भाई, वहाँ पे आता था। तो कमेंट आपने अगर किया है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके अलावा ये बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है, पूरा बूट जो है कवर वगैरह अच्छे तरीके से कर रखा है। ग्रैब हैंडल वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। और देखो जी, ट्विन सिलेंडर का जो ऑप्शन है कुछ इस तरीके से लुक में आता है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह है, जैसे अपनी टाटा की टियागो वगैरह देखी ना वैसे कुछ सेटअप, बट उससे बहुत प्रीमियम है, कंपैरिजन मत करना। बट अगर ये थोड़ा सा नीचे की तरफ होता ना तो ज़्यादा बढ़िया और लग सकता था। अगर आप पंचर वगैरह लगाना चाहते हो तो भैया देखो, टायर मोबिलिटी किट आपको यहाँ पर मिल जाती है, अलग से जगह दे रखी है, यहाँ पर आप फिक्स कर दो और ऐसे दिखेगी नहीं। और ये भी ना नीचे आ जाता है, वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ऐसे रख रखा था। बाकी अगर आप दूर से देखोगे थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार दो टैंक है, बट दिखेगा नहीं। बाकी यहाँ से अगर देखोगे तो ऐसा कुछ कंप्लीट सेटअप है, दो वॉल्व मिल जाते हैं सेफ्टी के लिए, क्लोज करना चाहते हो तो कर सकते हो। और जो टैंक की ओवरऑल कैपेसिटी है ना वो 33 लीटर की आपको मिलने वाली है। टोटल कैपेसिटी बिल्कुल सेम है 60 लीटर की, जिसके अंदर आप ऑलमोस्ट 8.5 किलो तक की गैस जो है फिल करा सकते हो, डिपेंडिंग प्रेशर वगैरह कैसा है, किस टाइम पे फिल करा रहे हो, चीजों पर जो है डिपेंड करता है ये सारी चीजें। सेम बैजिंग वगैरह यहाँ पे भी मिल जाती है। उसके अलावा जो कंप्लीट सेटअप है यहाँ से भी आप देख लो, सेम ग्राउंड क्लियरेंस जो अपनी है, अपनी ऑरा वगैरह के अंदर आता है ना, 165 mm वाला मिलने वाला है। बाकी ओवरऑल अगर आप बाहर से बात करते हो तो ये सारी चीज़ आपको मिलती है अगर आप बेस वेरिएंट की तरफ जा रहे हो। बाकी आप बताओ बेस वेरिएंट लेना पसंद करोगे कि नहीं करोगे। बाकी आप इंटीरियर की बात करें, एक्सटीरियर में तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। सबसे पहले तो आप डोर ट्रिम देख लो, डुअल टोन ट्रिम का ऑप्शन मिल जाता है, चारों पार विंडोज वगैरह दे रखे हैं, ऑटो अप ऑटो डाउन नहीं आएगा, लॉक ऑन लॉक आप यहाँ से कर सकते हो, ORVM के सारे एडजस्टमेंट हैं। स्पीकर आपको जरूर से मिल जाता है, ब्लूटूथ वाला म्यूजिक सिस्टम दे रखा है, बता देता हूँ 4 स्पीकर्स मिलेंगे, ट्यूटर्स नहीं आएंगे। और जो सेफ्टी टिप्स वगैरह हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा ग्रैब हैंडल, सेम डिजाइंस वगैरह, मैट ब्लैक जो है डोर लीवर आपको मिल जाता है। तो बेस वेरिएंट थोड़ा थोड़ा सा तो देखो फील आएगा अगर आप इतने पैसे थोड़े से कम इन्वेस्ट कर रहे हो इसके ऊपर। बट अगर आप बेस वेरिएंट की तरफ जा रहे हो ना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सीट के अंदर, ये आपको हाइट एडजस्टमेंट जो मिल रही है। बाकी रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, टाटा के टियागो पे भी जाते हो ना तो भी नहीं मिलती है, स्विफ्ट के अंदर भी जाते हो तो भी नहीं मिलता, इनफैक्ट बलिनो वगैरह भी चूज करते हो ना CNG के अंदर तो भी आपको हाइट एडजस्टमेंट जो अपने सेकंड बेस या बेस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलती है। उनसे तो लाख गुना अच्छी है अगर आप बेस वेरिएंट, अगर आपका बजट नहीं है, आपको थोड़ी सी प्रीमियम सर्विस वगैरह अच्छी चाहिए, मेरा रिकमेंडेशन है आप जरूर से इसके ऊपर जाओ, आँख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा मैनुअल वेरिएंट है तो 3 पेडल्स आपको मिल जाते हैं, साथ में डेड पेडल वगैरह दे रखा है, और फ्यूजोबिलिटी पोर्ट वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाता है। और अगर आप फ्यूल कैप की बात करते हो तो लगे हाथ में आपको दिखा जरूर से दे देता हूँ कि कैसा कुछ सेटअप है। तो ये देखो जी, यहाँ से फिल करोगे आप इसके अंदर CNG, पेट्रोल फिल करने का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, और ये कुछ सारा सेटअप है। देखो टैंक की बात करते हो तो 33 लीटर वाले जो है टैंक मिल जाते हैं, और ये जो है E20 को सपोर्ट भी कर लेती है। तो इसको तो कर देते हैं बंद, और अब बिना टाइम वेस्ट करें अंदर की तरफ आ जाते हैं, मैं आपको और कुछ चीज़ें जो है शेयर करता हूँ। भाई देखो रोड के साइड में है ना तो आवाज़ आपको आ ही रही होगी, टाइम टू टाइम के हॉर्न बज रहे हैं कभी कुछ, तो ये तो है। बाकी थोड़ा सा गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं भाई। लो जी, अंदर से बेस वेरिएंट का कंप्लीट सेटअप देख लो, ऐसा कुछ कंप्लीट सेटअप है, ORVM के सारे कंट्रोल्स वगैरह मैंने आपको दिखा दिए थे। पेट्रोल से CNG के अंदर चेंज करना चाहते हो उसका ऑप्शन है, साथ में हेडलाइट लेवलर भी आप यहाँ पे जो है मिल जाता है। और जो AC वेंट्स वगैरह हैं थोड़े से आपको टॉप एंड के कंपेरिजन में फीके लग सकते हैं, बट डिज़ाइन वगैरह ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा इसको अपनी तरफ पर कर लेते हैं अब ठीक है। बाकी स्टीयरिंग व्हील वगैरह नॉर्मल सा ही आपको लगेगा, सेम जो टॉप एंड में आता है वैसा ही कुछ है, गोल स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप MID के अंदर टॉगल कर सकते हो, कई बार इसके बारे में बता रखा है, डोर लाइट, सर्विस इंटरवल, अदर फीचर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा लैंग्वेज है, रीसेट वगैरह करना चाहते हो वो ऑप्शन है, साथ में एक्युमुलेटेड इन्फो मिल जाएगी, यहाँ पे ड्राइव इन्फो है, डिजिटल स्पीड मिल जाती है जो कि बहुत सही है, Hyundai की ना बेस से बेस गाड़ी के अंदर भी आपको डिजिटल स्पीड का ऑप्शन मिलता है जो कि बहुत सही है, TPMS वगैरह भी मिल जाता है, ये भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ है। बाकी तीनों बंदों की सीट बेल्ट वार्निंग दिखा देता है, CNG में या पेट्रोल के अंदर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, स्पीडोमीटर है, टैकोमीटर आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, वाइपर्स के कंट्रोल्स यहाँ पे दे रखे हैं, जो अपना म्यूजिक सिस्टम है वो आपको ब्लूटूथ वाला कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप ब्लूटूथ के थ्रू गाने वगैरह जरूर से प्ले कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे C-टाइप पोर्ट दे रखा है, 12V का सॉकेट मिल जाता है, A-टाइप पोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, और ऐसी कुछ डिजाइन वगैरह हैं, ये बेसिक सी सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता ही रखा है। फैब्रिक सीट्स वगैरह आपको मिल जाती हैं, हाइट एडजस्टमेंट दे रखी है, माइक वगैरह है। उसके अलावा इधर की बात करते हो तो टिकट होल्डर आपको यहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ पे बात करोगे तो वैनिटी मिरर जरूर से जो है यहाँ पे दिया गया है। बाकी मैनुअल डिमिंग IRVM आपको मिल जाता है, सेफ्टी के अंदर 6 एयरबैग, ABS CVD और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह नहीं मिलेगा, बाकी TPMS वगैरह है वो जरूर से मिल जाता है। उसके अलावा तो ऐसा कुछ है नहीं जो मुझे आपको स्पेशल बताना हो। बाकी अब मैं आपको जो है पीछे लेके और चल लेता हूँ, पीछे दिखाता हूँ कि भाई पीछे क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले चीज़ तो ऐसा कुछ कंप्लीट सेटअप है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं, 3 3 पॉइंट सीट बेल्ट हैं सारे बंदों के लिए। उसके अलावा सेंटर में AC वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट वगैरह आपको दे रखा है जो कि 12V का है,
बाकी ग्रैब हैंडल वगैरह। और इधर की बात करते हो तो यहाँ पे आपको जो है हेलोजन लाइट भी देखने को मिल जाती है, उसके अलावा सेम ग्रैब हैंडल वगैरह यहाँ पे मिल जाता है, बट यहाँ पे कोटुक वगैरह जरूर से दे रखा है। उसके अलावा तो ऐसी कुछ चीजें हैं नहीं जो मुझे आपको बतानी हो, बट एक चीज रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इसे प्लान कर रहे हो ना बेस वेरिएंट को, आप पार्सल ट्रे जरूर से ले लेना, 1700-1800 रुपए का खर्चा आएगा भाई, मस्त मजा सा आ जाएगा। तो ये कुछ सारी चीजें थी इस मैग्ना वेरिएंट के बारे में अगर आप डुओ सीएनजी के अंदर प्लान करते हो। प्राइस मैंने बता दिया 7,75,000 जो है ये वाला वेरिएंट एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। उसके अलावा बोनेट को खोल लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है इसका लीवर, जैसे आप इसे खींचोगे तो ये ओपन हो जाएगा। वैसे तो देखो बेस और टॉप में इंजन में कोई फर्क नहीं आएगा, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो Hyundai K1.2 की बेसिक मिल जाती है, और देखो कलर डिफरेंस भाई देख रहे हो। बाकी एक्सटर्नल बैटरी वगैरह कूलेंट फिल करना चाहते हो उसका ऑप्शन दे रखा है, और यहाँ से फिल करोगे आप इसके अंदर वॉशर। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं मेन इंजन में आपको क्या कुछ मिलता है। सबसे पहली चीज़ तो 1.2 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड जो है पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिलेगा। कापा सीरीज वाला इंजन है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है सीएनजी के अंदर 75 BHP की, और 95 Nm का जो है आपको यहाँ पर टॉर्क मिलने वाला है, जो कि पेट्रोल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, बट आपको अंडर पावर वगैरह इतना ज़्यादा नहीं फील होगा। डेली लाइफ में आप चलाओगे तो सॉर्टेड वाली चीज़ जो है आपको फील होगी, बाकी एवरेज वगैरह बढ़िया मिल जाता है। 25 का कंपनी क्लेम कर रही है इसके 60 लीटर वाटर कैपेसिटी के टैंक के अंदर, जिसके अंदर लगभग 8.5 किलो तक की गैस आप इजीली फिल करा सकते हो। बाकी एवरेज वगैरह आपकी ड्राइविंग वगैरह पर भी डिपेंड करेगा, और जो स्टैंडर्ड वारंटी वगैरह वो सीएम है कई बार बता रखी है, 1 लाख किलोमीटर और 3 साल, जिसको कि आप 5 साल तक इजीली एक्सटेंड भी करा सकते हो। तो ये कुछ सारी चीज़ें थी इस i10 के बेस वेरियंट के बारे में। आपको कैसा लगा ये बेस वेरियंट सीएनजी के अंदर आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और क्या सोचते हो आप इसके बारे में, क्या आप इसको लोगे कि नहीं लोगे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। तो कर देते हैं आज की वीडियो के एंड, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी और नई वीडियो के अंदर। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर से जो है प्रेस कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।